हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप सभी को किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 2। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर का भी फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, मार्केटिंग फ्रॉम फिलिप कोटलर की प्लेलिस्ट। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था द रोल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसमें हमने डिस्कस किया था मार्केटिंग कम्युनिकेशन का क्या मतलब है और मार्केटिंग कम्युनिकेशन का क्या रोल है, क्या उसकी इम्पॉर्टेंस है। अगर हम डिस्कस करें एक बार ब्रीफ सा कि भी लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब है वो सारे तरीके जिनके थ्रू कंपनी अपने कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट और ब्रांड्स के बारे में इन्फॉर्म करती है, उन्हें परसुएड करती है, मतलब मोटिवेट करती है, उन्हें रिमाइंड करवाती है, उन सारे ही तरीकों को, उन सारे ही मींस को हमने बोला है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। क्योंकि आज के टाइम पे कंपनी किसी भी एक मेथड को फॉलो करके या उसको ही अडॉप्ट करके अपनी कम्युनिकेशन नहीं करती। आज के टाइम पे कंपनी के पास बहुत सारे मींस या मेथड्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू कंपनी अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, उन्हें रिमाइंड करवा सकती है अपने प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में। फिर हमने इसका रोल और इम्पॉर्टेंस स्टडी किया था कि क्या इसका रोल और इम्पॉर्टेंस है। क्लियर? आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द चेंजिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशंस इन्वायरमेंट। ये कह रहा है जो पहले का मार्केटिंग कम्युनिकेशन का इन्वायरमेंट था और जो आज का मार्केटिंग कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। क्योंकि आप खुद देखें कि भी जब स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन के मेथड्स आए थे, एडवर्टाइजिंग आया था, न्यूज़पेपर आया था, तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की या ब्रांड की इन्फॉर्मेशन देने के लिए न्यूज़पेपर को अडॉप्ट किया। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग आती थी आप, या फिर बैनर्स देखते थे आप, हम कह सकते हैं कि भी पर्सनल सेलिंग के थ्रू आपको पता चलता था कि भी ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, ये कंपनी है। उन चीज़ों के बारे में हमें बहुत सारे लिमिटेड मेथड्स थे हमारे पास जिनके थ्रू कंपनीज अपनी मार्केटिंग की कम्युनिकेशंस कर सकती थी, अपने इन्फॉर्मेशन को कंज्यूमर तक पहुंचा सकती थी। लेकिन आज के टाइम पे जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो हम देखेंगे कैसे। टेक्नोलॉजी एंड अदर फैक्टर्स हैव प्रोफाउंडली चेंज द वे कंज्यूमर प्रोसेस कम्युनिकेशंस एंड इवन वेदर दे चूज टू प्रोसेस देम एट ऑल। ये कह रहा है आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी और बहुत सारे अदर फैक्टर्स ने हमारा जो कंज्यूमर का तरीका था कम्युनिकेशन को प्रोसेस करने का, कि वो कैसे उसको प्रोसेस करता था जब भी उसे कोई भी कंपनी से रिलेटेड कम्युनिकेशन मिलती थी, किस तरीके से वो उसको अंडरस्टैंड करता था, क्या उसकी परसेप्शन बनाता था, कैसे उसे मीनिंग निकालता था, जिस भी तरीके से वो हमारी कम्युनिकेशन को प्रोसेस करता था उस बिल्कुल ही तरीके को चेंज कर दिया। और इवन वेदर दे चूज टू प्रोसेस देम एट ऑल, और बल्कि आज के टाइम पे तो कंज्यूमर के पास एक चॉइस है कि वो उस कम्युनिकेशन को प्रोसेस भी करना चाहता है या नहीं। द रैपिड डिफ्यूजन ऑफ पावरफुल स्मार्टफोन्स, ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस एंड एड स्किपिंग डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स हैव इरोडेड द इफेक्टिवनेस ऑफ मास मीडिया। ये कह रहा है जो पहले हम मास मीडिया चूज करते थे, जो हमारी कंपनीज थी मास मीडिया के मेथड्स को चूज करती थी जिनके थ्रू उनका मैसेज, उनकी इंफॉर्मेशन बहुत लोगों तक पहुंचती थी, मास कम्युनिकेशन वो करते थे, मास लेवल की कम्युनिकेशन। लेकिन ये कह रहा है आज के टाइम पे जो ये हमारे पावरफुल स्मार्टफोन्स आए हैं, हमारा जो ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन आया है, एड्स कीपिंग जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स आए हैं, इनकी वजह से हमारे मास मीडिया की इफेक्टिवनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, या हम कह सकते हैं रिड्यूस हो गई है। तो आप खुद देखें कि भी जिस तरीके से पहले कंज्यूमर हमारी कम्युनिकेशंस को प्रोसेस करता था वो बिल्कुल तरीका चेंज हो गया है। आज के टाइम उसके पास इवन चॉइस भी है कि वो किसी कम्युनिकेशन को, जो भी उसे अलग अलग कंपनीज की कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन उसे मिल रही है, उनमें से उसके पास चॉइस है कि भी उनमें से किस इन्फॉर्मेशन को वो प्रोसेस करना चाहता है और किसको वो स्किप करना चाहता है, किसको वो प्रोसेस नहीं करना चाहता। और आप खुद देख सकते हैं इन अदर फैक्टर्स और टेक्नोलॉजी की वजह से जो ये हमारे पावरफुल स्मार्टफोन्स आए हैं, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस आए हैं, एड्स कीपिंग डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स आए हैं, इनकी वजह से जो हमारा मास मीडिया था उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो गई है, बिल्कुल ख़त्म। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया,
1960 में अ कंपनी कुड रीच 80% ऑफ यूएस वुमेन विद 1/30 सेकेंड कमर्शियल एड साइमल्टेनियसली ऑन 3 TV networks. ये कह रहे हैं 1960 में जो एक कंपनी थी वो यूएस की वुमेन्स का 80% कवर कर लेती थी अपनी एक 30 सेकेंड की एड के साथ, जो वो साइमल्टेनियसली 3 TV के नेटवर्क्स पर चलाती थी, ABC नेटवर्क पर, CBS नेटवर्क पर एंड NBC नेटवर्क पर. तो आप खुद देखें कि भी सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट जो उनकी कमर्शियल थी वो कितने सेकंड की, 30 सेकंड की कमर्शियल, वो कितने टीवी नेटवर्क्स पर रन करते थे, ABC पे, CBS पे और NBC पे. सिर्फ 3 TV के नेटवर्क्स पे वो अपनी कमर्शियल जो 30 सेकंड की थी उसको चलाते थे और उसी के थ्रू वो US वूमेन का 80% कवर कर लेते थे. तो आप इफेक्टिवनेस देख रहे हैं कि भी सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट 30 सेकंड की 3 TV के नेटवर्क्स पर, और किसी नेटवर्क पर नहीं, सिर्फ 3 TV के नेटवर्क्स पर, और उसके थ्रू वो कंपनी US वूमेन्स का 80% कवर कर लेती थी. टुडे द सेम एड वुड हैव टू रन ऑन 100 चैनल्स एंड मोर टू अचीव दिस मार्केट फीट. ये कह रहा है आज उसी सेम एडवर्टाइजमेंट को अगर वही सेम मार्केट का फीट कवर करना है, वही 80% ऑफ US वुमेन्स को कवर करना है, तो उसे 100 या 100 से ज़्यादा चैनल्स पे उसको रन करना पड़ेगा. तो आप देखें कि भी कितनी जो मास मीडिया की इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो गई है. पहले वही एड 3 TV नेटवर्क्स के थ्रू ही 80% ऑफ US वुमेन्स को कवर कर रही थी, आज वही एडवर्टाइजमेंट 100 चैनल्स और उससे भी ज़्यादा के थ्रू उस एरिया को कवर कर पाएगी. मार्केटिंग इंसाइट, एक इन्होंने इंसाइट बता रखा है, एग्जांपल आपको बता रखा है, क्योंकि आप खुद देखें आज के टाइम पे जो हमारे वीडियो रिकॉर्डर्स हैं डिजिटल, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम एड्स को स्किप कर सकते हैं. जो ये कमर्शियल्स आती हैं, जो अलग अलग कंपनीज की कम्युनिकेशंस आती हैं, इन्फॉर्मेशंस आती हैं, हम क्या करते हैं अगर हमारा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास चूज़ टू प्रोसेस देम एट ऑल, क्योंकि हमारे पास चॉइस है कि भी हम चाहें तो उनको देख सकते हैं, ना चाहें तो उनको स्किप कर सकते हैं. ये तो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है. आपके सामने यूट्यूब पे भी बहुत एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, जैसे ही आप कोई वीडियो देखते हैं तो बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं. अगर आपका मन कर रहा है तो आप उसे पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं उस एडवर्टाइजमेंट को, अदरवाइज एक स्किप का ऑप्शन आता है, आप स्किप करके एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के अपना जो कंटेंट आप देख रहे थे उसको देख सकते हैं. तो आप खुद देखें कि भी जो मास मीडिया कम्युनिकेशंस थी कंपनी की उसको कितना चेंज हो गया आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी और अदर फैक्टर्स की वजह से. पहले आपको कंपलसरी होता था, अगर पहले सिर्फ नॉर्मली आप खुद देखें कि टीवी होता था, टीवी में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उसके बाद जैसे ही उसके इंटरवल्स में एडवर्टाइजमेंट्स आती थी अलग अलग कंपनीज की, वो आपको देखना कंपलसरी होता था क्योंकि आप कहीं और नहीं देख सकते, ना उसको स्किप कर सकते थे. लेकिन आज जब आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, जैसे अमेजोन वगैरह पे हम देखते हैं, बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि भी आप स्किप कर सकते हैं. यूट्यूब पे आप कोई देखते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन आता है, आप स्किप कर सकते हैं. तो आप खुद देखें कि भी आज के टाइम पे जिस तरीके से पहले कंज्यूमर कम्युनिकेशंस को प्रोसेस करता था वो बिल्कुल चेंज हो गया, और आज कंज्यूमर के पास चॉइस भी है कि भी वो उस कम्युनिकेशन को प्रोसेस करना चाहता है या नहीं, मींस उस इंफॉर्मेशन को कंपनी के बारे में सुनना चाहता है या नहीं. बट इवन एज सम मार्केटर्स फ्ली ट्रेडिशनल मीडिया दे स्टिल इनकाउंटर चैलेंजेस. ये कह रहा है आज के टाइम पे बहुत सारे जो मार्केटर्स हैं वो जो ट्रेडिशनल मीडिया था उससे दूर हो गए हैं, लेकिन आज भी वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं. कमर्शियल क्लटर इज रैम्पेंट. ये कह रहा है आज के टाइम पे भी आपको जो ये कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये आपको इतनी ज़्यादा एक्सेसिव मिलेंगी कि भी एक इंसान देख देख के ही बोर हो जाता है. द एवरेज सिटी ड्वेलर इज एक्सपोज टू एन एस्टिमेटेड 3,000 to 5,000 एड मैसेजेस अ डे. ये कह रहा है एक बंदा, एक पर्सन जो सिटी में रहता है, सिटी ड्वेलर है, अगर वो सिटी में रहता है तो वो एक दिन में 3,000 से 5,000 के बीच में ऐड के मैसेजेस को देखता है. कैसे देखता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि भी हमारे पास वैसे तो कंज्यूमर के पास क्या आ गई है, अपॉर्चुनिटी, हम कह सकते हैं चॉइस आ गई है कि वो अगर ना चाहे तो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ना करें. लेकिन फिर भी ये ट्रेडिशनल मीडिया के इन तरीकों से दूर जाने के बाद भी आज भी कंज्यूमर जो ये हमारी कमर्शियल एड्स हैं ये इतनी ज़्यादा एक्सेसिव हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि भी एक जो बंदा सिटी में रहता है वो 3,000 से 5,000 एड मैसेजेस एक दिन में तो देख लेता है. शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट एंड एड्स अपीयर एट गैस स्टेशंस,
grocery stores, doctor's office and big box retailers. ये कह रहा है अब जो शहर में बंदा रह रहा है अब उसके पास वैसे तो ऑप्शन है कि वो चाहे तो प्रोसेस कर सकता है किसी इन्फॉर्मेशन को, ना चाहे तो वो किसी ऐड को स्किप कर सकता है, लेकिन फिर भी वो डेली कितनी ऐड मैसेजेस को देखता है, 3,000 से 5,000. अब बात आ रही है वो कैसे देखता है, क्योंकि जैसे ही जो ये शॉर्ट फॉर्म की वीडियो कंटेंट होती हैं या एड्स होती हैं वो आपको हर एक जगह मिलती हैं. आप गैस के स्टेशन पर जा रहे हैं वहाँ भी, आप ग्रोसरी स्टोर्स में जा रहे हैं वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे एडवर्टाइजिंग मैसेजेस, डॉक्टर के ऑफिसेज में जा रहे हैं वहाँ भी आपको कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट जरूर मिलेगी, बिग बॉक्स रिटेलर्स के पास अगर आप कोई भी सामान परचेज करने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये एड मैसेजेस मिलेंगे. क्लियर. फिर उसके बाद नेक्स्ट है मार्केटिंग कम्युनिकेशन. In almost every medium and form have been on the rise and some consumers feel they are increasingly invasive. ये कह रहा है जो ये marketing communication है किसी भी medium में और किसी भी form में. Marketing communication मतलब जो companies के बारे में advertisement है, company की information है, वो किसी भी medium में हो, किसी भी form में, advertising की form में हो, banners की form में हो, social media advertising की form में हो, personal selling की form में हो, वो सारी ही आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और कुछ कंज्यूमर्स को तो ऐसा लगता है कि वो हर एक एरिया में आ रही है और उनको स्टॉप करना मुश्किल हो गया है. क्योंकि आप खुद देखें, अभी हमने देखा है कि भी एक पर्सन जो सिटी में रहता है वो बेशक एड को खुद ना देखना चाहे लेकिन फिर भी वो एक दिन में 3,000 से 5,000 एड मैसेजेस को देख लेता है. क्यों देख लेता है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो बंदे को जाना है, हर जगह उसे क्या मिलती है, एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं. क्लियर. मार्केटर्स मस्ट बी क्रिएटिव इन यूजिंग टेक्नोलॉजी बट नॉट इन ड्यूड इन कंज्यूमर्स लाइफ. ये कह रहा है मार्केटर अच्छी बात है, चलो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके वो क्रिएटिव हो, ठीक है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं आप उसको यूज़ करें, कुछ क्रिएटिव सा दिखाएं, बट नॉट इंट्रूड इन कंज्यूमर्स लाइफ. लेकिन हम कह रहे हैं कि भी कंज्यूमर्स की लाइफ के अंदर आप इंटरफेयर ना करें, उतना इन्वॉल्व ना हो कि कंज्यूमर को लगे कि भी हर जगह उसको एक ही चीज़ दिख रही है. क्योंकि अभी हमने देखा कंज्यूमर को बेशक वो ना चाहे तब भी उसको इतने ऐड मैसेजेस देखने को मिल जाते हैं एक दिन में. तो यही चीज़ है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशंस आज के टाइम पे किसी भी मीडियम में किसी फॉर्म में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कंज्यूमर फील कर रहा है कि भी ये बहुत ज़्यादा मूविंग इन टू ऑल एरियाज एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप, कि भी हर एक एरिया में तो हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस आ गई हैं और इनको स्टॉप करना भी क्या है, डिफिकल्ट. इसीलिए हम कह रहे हैं मार्केटर्स को टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए क्रिएटिव तरीके से. ये नहीं होना चाहिए कि आप कंज्यूमर्स की लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं कि भी हर जगह वो एडवर्टाइजमेंट्स ही देख रहा है. वन एजेंसी दैट हैज़ प्रूवन टू बी अ मास्टर एट बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ड्राइविंग सेल्स फॉर इट्स क्लाइंट्स इन दिस न्यू डिजिटल एरा इज AKQA. ये एक कंपनी का इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि भी एक ऐसी कंपनी जो ब्रांड्स को बिल्ड करने में और सेल्स को इंक्रीज करने में आज के टाइम पर डिजिटल एरा में सबसे अच्छी मानी जाती है, वो है AKQA. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. क्लियर. तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि भी कैसे जो हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन का इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया है. पहले मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को देखना पड़ता था कंज्यूमर्स को, लेकिन आज उनके पास चॉइस है, अगर वो चाहें तो किसी भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसको प्रोसेस करके कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो स्किप भी कर सकते हैं. फिर हमने देखा कि भी जो हमारे मार्केटर्स हैं वो ट्रेडिशनल मीडिया से दूर हो गए, लेकिन फिर भी जो हमारी ये कमर्शियल क्लटर्स है वो आपको हर जगह मिलेंगी, बहुत एक्सेसिव है, बहुत जगह आपको अवेलेबल मिलेगी कमर्शियल एड्स. जैसे एक इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है जो सिटी में रहने वाला एक बंदा है वो कैसे एक दिन में 3,000 से 5,000 के बीच में तो ऐड मैसेजेस को देख ही लेता है बेशक वो ना चाहे. और कम्युनिकेशन के जो ये मीडियम है, फॉर्म है, वो हर एक तरीके से राइज हो रहे हैं, जिनकी वजह से कंज्यूमर को फील होने लग गया है कि भी ये हर एक एरिया में आ गया और इनको स्टॉप करना डिफिकल्ट हो गया है. तो इसीलिए हमने कहा है कि मार्केटर्स को टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ क्रिएटिव तो क्रिएट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कंज्यूमर्स के लाइव्स में क्या कर रहे हैं, इंट्रूड कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं. क्लियर. तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ हर एक टॉपिक को ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाना. और आप खुद देखें कि भी ये मार्केटिंग फ्रॉम फिलिप कोटलर का हमारा 7th चैप्टर है,
छह चैप्टर्स ऑलरेडी मार्केटिंग के फिलिप कोटलर की बुक से हम कवर कर चुके हैं दिशा क्लासेस पर। सेवन्थ चैप्टर मैंने स्टार्ट करा है। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपकी तरफ से तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ फिलिप कोटलर को मैं पूरा करवाऊंगी। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिलिप कोटलर के उनको आपके यहाँ दिशा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।